हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भावना भारद्वाज एंड वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट पॉइंट। आज मैं लेके आई हूँ एचआरएम का फिर से एक नया टॉपिक, सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है, आप सब लोग समझ रहे होंगे कि हम बेसिक लाइफ में भी बोलते रहते हैं सेपरेट कर दिया, लेकिन ये होता क्या है सेपरेट, कभी एचआरएम के फॉर्म में समझाए? तो हम यही पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन टाइप्स बेनिफिट्स एंड सेपरेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं सेपरेशन होता क्या है। सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्ड एज सेपरेशन। द रेट एट विच एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन मेजर्ड बाई रेट ऑफ एम्प्लॉय इज कॉल्ड सेपरेशन। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप से एम्प्लॉय की को टर्मिनेशन कर दिया जाता है, मीन्स उसकी समाप्ति को सेपरेशन कहा जाता है। जिस रेट पर एम्प्लॉय सेपरेशन के लिए मेजर किया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं, एक रेट तैयार किया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉई सेपरेशन। कुछ कॉस्ट होती है एम्प्लॉई सेपरेशन की, जैसे कि रिक्रूटमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट जब करते हैं तो उसमें कॉस्ट लगते हैं, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट एंड सेपरेशन कॉस्ट। ठीक है, अब हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेपरेशन, देखिए दो तरीके के मैंने टाइप्स लिखे हुए यहाँ पे, एक वॉलेंट्री सेपरेशन और दूसरा है इनवॉलेंट्री सेपरेशन। इनवॉलेंट्री सेपरेशन पढ़ते हैं पहले। व्हेन एन एम्प्लॉई टर्मिनेशन द एम्प्लॉई मेंबर रिलेशनशिप, देन दिस फॉर्म ऑफ एम्प्लॉई सेपरेशन इज नॉन एन वॉलेंट्री सेपरेशन। वॉलेंट्री सेपरेशन इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, क्विट्स एंड रिटायरमेंट। जब एक एम्प्लॉय सेपरेशन को एम्प्लॉय रिलेशनशिप से हटा दिया जाता है तो इसको एम्प्लॉय सेपरेशन के रूप में जाना जाता है। जैसे कि ये वॉलेंट्री का मतलब होता है कि अपनी खुद की मर्जी से एम्प्लॉय क्या है, क्वाइट कर रहा है या रिटायरमेंट ले रहा है, अपनी खुद की मर्जी से क्या हो रहा है, एक एम्प्लॉय उसको अपनी जॉब को छोड़ रहा है, तो इसका मतलब होता है वॉलेंट्री सेपरेशन। यहाँ पे स्वेच्छा से हो रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय अपनी खुद की मर्जी से जॉब को छोड़ रहा है। ठीक है, दूसरा है इनवॉलेंट्री सेपरेशन, जैसे उसका अपोजिट होता है इनवॉलेंट्री सेपरेशन। व्हेन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप विद इन विद एनी एम्प्लॉय सेपरेशन इज कॉल्ड वॉलेंट्री सेपरेशन। वॉलेंट्री सेपरेशन इज डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरी। देखिए यहाँ पे बात हो रही है जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से सेपरेशन कर दिया जाता है, मतलब सेपरेट किया, मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, जैसे कि इनवॉलेंट्री, जिसको इनवॉलेंट्री सेपरेशन कहते हैं, जैसे कि डिस्चार्ज करना, उसको छोड़ देना, ले ऑफ, नौकरी से मुक्त कर देना। ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से बिल्कुल हटा देना उसे, और डाउन साइजिंग मतलब कि उसका एक डिमोशन की तरह उसका यूज कर लेना एम्प्लॉयज का, जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, जो ह्यूमन है एम्प्लॉई है, उसको एक डाउन साइजिंग कर देना, मतलब उसकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन से बिल्कुल ही हटा देना, उसको डाउन साइजिंग कर देना, इस तरीके से। ये तीन कैटेगरी थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ सेपरेशन। बेनिफिट्स ऑफ सेपरेशन के फ़ायदे क्या क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम अगर देखते हैं तो, द लेबर कॉस्ट रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम फालतू की वैकेंसी इसमें हायर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे छटनी हो रही है, मतलब कि एक सेपरेट कर रहे हैं हम एम्प्लॉयज़ का, तो कहीं ना कहीं हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ को हटा दिया जाएगा या तो स्वेच्छा, या तो उसको रिटायरमेंट ले रहा है या ख़त्म हो रहा है, ठीक है, या फिर वो हमारी मर्जी से डिस्चार्ज हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, डाउन साइजिंग हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसकी वेजेस को कम कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं वेजेस उसको कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट हमारी कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय हु परफॉर्म पुअरली आर रिप्लेस्ड। देखिए अगर एम्प्लॉय पुअरली खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको रिप्लेस्ड किया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द इनोवेशन इज इंक्रीज इज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए परिवर्तन का नाम ही एक जिंदगी, अगर ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, तो इसलिए उस एम्प्लॉयज को हटाया जाता है, जैसे कि रिटायरमेंट दे देना इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, हमारे लिए बेनिफिट्स है। नेक्स्ट, द डाइवर्सिटी इज एनहांस द ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी इनहांस हो रही है।
ठीक है, तो बेनिफिट्स समझ में आ गए होंगे। सेपरेशन फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिफर्ड एज सेपरेशन। द रेट ऑफ विच एम्प्लॉयज लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन मेजर्ड बाई रेट ऑफ द एम्प्लॉय सेपरेशन। कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय को अलग अलग कर देना, ये जॉब अलग अलग मतलब एम्प्लॉय और जॉब से उसको हटा रहे हैं हम, ठीक है, ये सेपरेशन होता है। ठीक है, डिमोशन में क्या होता था कि डिमोशन में क्या है, हम उसको एक जो मैनेजमेंट हायरार्की थी, जो सब चेन होती है मैनेजमेंट की टॉप लेवल टू मिडिल लेवल, उसमें क्या है उसको प्रमोट की जगह पर उसका जस्ट अपोजिट डिमोशन कर रहे थे। लेकिन सेपरेशन में यह क्या है, बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं उसकी जॉब को, इसको सेपरेशन बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेने आने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू।